योग का मतलब है अपने मन को चित्त को भगवान से जोड़ना। महर्षि पतंजलि ने जिन पतंजलि के नाम पर आज योग का भी बहुत सुंदर ढंग से व्यवसायीकरण हो गया, बहुत कड़वा शब्द है, उन महर्षि पतंजलि ने अपने योग शास्त्र में योग के विषय में जो कहा है, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योगस्तु चित्त वित्र निरोधः। इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने योग का लक्षण कहा। योग क्या है? महर्षि पतंजलि कहते हैं योगस्तु चित्त वित्र निरोधः। हमारी चित्त की वृत्तियां जो संसार की ओर जा रही हैं, हमारा संसार में जो मन भाग रहा है, यह मन संसार में जाने से रुक जाए और भगवान में लग जाए, इसी का नाम योग है। इसी का नाम योग है। और इसी के लिए प्राणायाम, इसी के लिए उपासना, इसी के लिए आहार की शुद्धि, इसी के लिए व्रत, मंत्र का जप, तीर्थ यात्रा, संत सेवा, बड़े बड़े यज्ञ, इन सब कर्मों का एकमात्र परम फल यही है कि हमारा मन भगवान में लग जाए। उद्देश्य यही है और इसी का नाम योग है। और इस योग की प्राप्ति सत्संग से होती है। हमारा मन भगवान में तभी लगेगा जब हम सत्संग करेंगे, भगवान के चरित्र को सुनेंगे, भगवान की महिमा को श्रवण करेंगे, तभी हमारा मन भगवान में लगेगा। इसीलिए बड़े बड़े योगी, अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा लोग भी भगवान की कथा श्रवण करते हैं। इस कथा की कितनी महिमा है, ये जब व्यक्ति सुनता है और लगातार सुनता है, ये नहीं कि आज सुने फिर दो साल बाद एक दिन सुन लेंगे, बोले उसका कोई मतलब नहीं होता। बार बार सत्संग करते रहो करते रहो, तब इसकी महिमा समझ में आती है। जब बहुकाल करिय सत्संगा, तब हुई है सब संशय भंगा। तभी जीवन के सारे संशय दूर होते। और ये सत्संग तभी प्राप्त होता है जब भगवान की कृपा होती। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब द्रवहि दीन दयालु राघव, साधु संगति पाइए। भगवान जब द्रवीभूत होते हैं तब संतों का संग प्राप्त होता है और तब भगवान के चरित्र को सुनने का अवसर प्राप्त होता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव, साधु संगति पाइए। द्रवहि दीन दयालु राघव, साधु संगति पाइए। जेहि तरस परस समागमाधिक, पाप राशि न साइए। जेहि तरस परस समागमाधिक, पाप राशि न साइए। जब द्रवहि दीन दयालु राघव, साधु संगति पाइए। जब द्रवहि दीन दयालु राघव, साधु संगति पाइए। हाँ साधु संगति पाइए, हाँ साधु संगति पाइए। संतों का संग बड़ा दुर्लभ है और ये कब मिलता है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जब भगवान कृपा करते हैं। बोले महाराज संत तो बहुत मिल जाते हैं। बोले संतों में भी
संत भी कई प्रकार के हैं, यही सब तो सत्संग में समझना है। संत में कुछ संत ऐसे हैं जो केवल बेस से संत हैं, उनका संत वाला बेस है, कुछ वेश से भी संत हैं और विचार से भी संत हैं, कुछ ऐसे हैं जो बेस से भी संत हैं, विचार से भी संत हैं और आचरण से भी संत हैं, और कुछ ऐसे हैं जो वेश से, विचार से, आचरण से संत होकर सिद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं। सब संत, लेकिन इसमें भी संग किसका मिले? बोले जिसने वेश, विचार और आचरण के द्वारा अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है, ऐसे सत्पुरुष संत मिले तो उनका संग मनुष्य के जीवन को धन्य बना देता है, बदल देता है। और वेश मात्र जो संत हैं, बोले वो प्रणम्य हैं, प्रणाम करो, उनका आदर करो, क्योंकि संत का वेश है आदरणीय, संत के वेश का भी हमारे यहां आदर किया जाता है। और इसका उदाहरण श्री जानकी जी, रावण आया सीता जी का हरण करने के लिए, वेश संत का बनाया था। सीता जी जान रही हैं कि ये असंत है, संत नहीं है, लेकिन संत का वेश है, अगर मैं इसे भगा दूंगी, इसे भिक्षा नहीं दूंगी, तो आने वाले इतिहास में लोग कहेंगे कि कोई संत आवे तो अगर तुम्हारे मन में संदेह हो रहा है तो उसको भगा दो, उसे भिक्षा मत दो, उसका अनादर कर दो। इसका परिणाम क्या होगा? बोले अज्ञानी जन अपने स्वार्थ में, अभिमान में, अहंकार में सच्चे संत का भी निरादर कर देंगे। इसलिए जानकी जी ने रावण का भी आदर कर दिया, भले रावण ने उनका हरण किया, उससे जानकी जी की महिमा नहीं घटी, लेकिन श्री जानकी जी ने संत के वेश का आदर किया। वेश भी आदरणीय है, परंतु जिसका जीवन पवित्र है, जो विचार और आचरण से साधु है, ऐसे संतों का संग करना चाहिए। इसीलिए कहा कुछ संत दर्शनीय होते हैं, कुछ संत प्रणम्य होते हैं, कुछ संत अनुकरणीय होते हैं और कुछ संत संग करने के योग्य होते हैं, उनका संग करना चाहिए, तब जीवन बदलता है। और ऐसे संत कब मिलेंगे, संत का क्या लक्षण है, ये सब कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति को श्री भागवत जी में बताया है। कभी भागवत की कथा सुनना, वो प्रसंग आएगा तो वो सारी बातें उसमें वहां कपिल भगवान ने कही हैं। ऐसे महापुरुष संत कब मिलते हैं? तो कहते हैं भगवान की जब कृपा होती है। संत विशुद्ध मिलई पर तेही, राम कृपा कर चितवही जेही। ऐसे विशुद्ध संत जीवन में तभी मिलते हैं जब भगवान कृपा करके उस जीव को देखते हैं, उस जीव पर भगवान की कृपा दृष्टि होती है, तो उसे ऐसे महापुरुष संत जीवन में मिलते हैं। और जब संत मिलते हैं तो उनके दरस परस समागमादिक, उनके दर्शन से, उनके स्पर्श से, उनके समागम से, उनके सन्निकट जाने से जीव के पाप राशि का नाश होता है और भगवान के चरणों में मन लगता है, भगवान के चरणों में हमारी प्रवृत्ति होती है, यही कल्याण का मूल मंत्र है। इसीलिए बार बार सत्संग करते रहना चाहिए, भगवान की कथा श्रवण करते रहना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए, और संतों के संग से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इस दुनिया में गति, कीर्ति, मति, संपत्ति, भलाई कुछ भी किसी ने प्राप्त किया तो उसका मूल क्या है? बोले सत्संग, संतों का संग। मति कीर्ति गति भूत भलाई,
मति कीरति गति भूते भलाई जब जेहि जतन जहां जेहि पाई जब जेहि जतन जहां जेहि पाई सो जानव सत संग प्रभाओ सो जानव सत संग प्रभाओ लोकौ वेदना आनव पाओ लोकौ वेदना आनव पाओ मति कीरति गति भूत भलाई मति कीरति गति भूत भलाई मति कीर्ति मति कीरति गति भूति भलाई जह जब जतन जहां जहि पाई सो जानव सत्संग प्रभाऊ लोकहु वेद न आन उपाऊ दूसरा कोई उपाय इसलिए बार बार सत्संग करो। सत्संग की इतनी महिमा है भगवान की महती कृपा से ये सुंदर अवसर मिला कि श्री वाल्मीकि रामायण के माध्यम से भगवान की पावन चर्चा करने का सुंदर ये सुअवसर प्राप्त हुआ। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया भगवान अयोध्या में चार चार रूपों में प्रकट हुए कृत्वात्मानं चतुर्विधं पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपं भगवान ने श्री दशरथ जी महाराज को अपना पिता बनाने की रुचि प्रकट की इन्हीं को अपना पिता बना और चार रूपों में भगवान प्रकट हुए। इस विषय पर आचार्यों ने विचार किया कि पृथ्वी पर इतने बड़े बड़े धर्मात्मा राजा थे और किसी के बेटा भगवान क्यों नहीं बने दशरथ जी को ही पिता बनाने की रुचि भगवान की क्यों हुई क्या श्री जनक जी महाराज धर्मात्मा नहीं थे जनक जी भी तो जनक जी के घर प्रकट हो जाते महाराज रोमपाद इतने धर्मात्मा थे उनके यहां भगवान प्रकट हो जाते और भी बड़े बड़े राजा थे लेकिन दशरथ जी को ही भगवान ने अपना पिता क्यों बनाया इस प्रश्न का उत्तर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के महान विद्वान श्री गोविंद राज स्वामी जी महाराज जो कि श्री रामानुज संप्रदाय की परंपरा में महापुरुष हुए उन्होंने रामायण के संपूर्ण अर्थ को अनुभव किया परंपरा से भगवान श्री रामानुजाचार्य शैल पूर्ण स्वामी जी से तिरुपति बालाजी में जाकर 18 बार संपूर्ण वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया था रामानुजाचार्य हम लोग एक बार कथा नहीं सुन पाते उन्होंने 18 बार इसको पढ़ा था एक एक अक्षर गुरुदेव के चरणों में बैठकर भगवान श्री रामानुजाचार्य और 18 बार में उनके गुरु श्री शैल पूर्ण स्वामी जी ने अनेक प्रकार के भाव और अर्थ उनको सुनाए फिर वो अर्थ वो भाव परंपरा से गुरु शिष्य परंपरा से चलता चला आया आगे चलकर एक स्वामी जी हुए जिनका नाम श्री गोविंद राज स्वामी उन्होंने इन सारे अर्थों को परंपरा से प्राप्त किया। एक दिन भगवान तिरुपति बालाजी ने उनको स्वप्न दिया कि ये जो अर्थ रामायण का जो भाव परंपरा से तुम्हें प्राप्त हुआ है इन भावों को तुम लिपिबद्ध करके एक ग्रंथ बना दो क्योंकि आने वाली पीढ़ियां कहीं इसे भूल गईं और ये परंपरा विच्छिन्न हो गई तो ये महान अर्थ विलुप्त हो जाएगा। तो भगवान की आज्ञा मान करके श्री गोविंद राज स्वामी जी ने उन सारे अर्थों को लिपिबद्ध किया तो बन गई एक टीका वाल्मीकि रामायण की एक अद्भुत व्याख्या बन गई और उसका नाम है
रामायण भूषण व्याख्या, रामायण का भूषण श्री गोविंद राज स्वामी जी ने लिखा, उस टीका में इस प्रश्न का उत्तर देते हैं गोविंद राज स्वामी जी। वो कहते हैं कि दशरथ जी महाराज को भगवान ने अपना पिता इसलिए बनाया कि दशरथ जी का कुल परम भागवत कुल, वैष्णव कुल है। इस कुल में आदिकाल से लेकर आज तक भगवान की अविच्छिन्न भक्ति की परंपरा चली आ रही है। अन्य कुलों में तो भक्ति होती है, एक पीढ़ी में होती है, दूसरी पीढ़ी में नहीं भी होती, कोई जरूरी नहीं है कि हो। विश्वश्रवा बहुत बड़े भक्त थे, उनके पिता पुलस्त परम धर्मात्मा, ब्रह्मा जी महाराज परम धर्मात्मा, ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त, पुलस्त के पुत्र विश्वश्रवा, तीन पीढ़ी तक भक्ति रही, चौथी पीढ़ी में रावण पैदा हुआ, भक्ति चली गई। अविच्छिन्न भक्ति की परंपरा, जिस वंश में जिस कुल में भक्ति की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आई और सभी भागवत हुए, सभी भगवान के परम भक्त हुए, ऐसा वंश अगर धरती पर कहीं था तो वह अयोध्या का राजवंश श्री दशरथ जी का वंश था। श्री इक्ष्वाकु मनु जिन्होंने अयोध्यापुरी बसाई, उन महाराज इक्ष्वाकु को श्री ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण की वो दिव्य मूर्ति प्रदान की थी जिनको रंगनाथ भगवान कहा जाता है। आज भी वो रंगनाथ भगवान विराजमान है। कहाँ विराजमान है? बोले दक्षिण भारत में। विश्व की प्रथम मूर्ति है, उसके पहले दुनिया में कोई मूर्ति थी ही नहीं, और वह मूर्ति किसी कारीगर ने नहीं बनाई, ब्रह्मा जी ने क्षीर सागर से उस मूर्ति को प्राप्त किया था, और वो मूर्ति मंदिर के सहित थी। वो मूर्ति अलग से नहीं कि किसी मंदिर में रखा जाए, एक मंदिर और उस मंदिर में मूर्ति, वो पूरा मंडप, वो पूरा मंडप ही ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ। आद्यमेतत् स्वयं व्यक्तम विमानम रंग संज्ञकम, वो रंग विमान के सहित भगवान को ब्रह्मा ने प्राप्त किया था, और ब्रह्मा जी ने वो मूर्ति इक्ष्वाकु मनु को दी कि आप ले जाओ इनकी पूजा करो, और इक्ष्वाकु मनु लेकर के आए और अयोध्या में उनको स्थापित किया, और इक्ष्वाकु मनु से लेकर दशरथ जी के काल तक रंगनाथ भगवान की पूजा अयोध्या में ही हुई। अभी वो रंगनाथ भगवान दक्षिण भारत में त्रिचनापल्ली जनपद में कावेरी नदी के मध्य में एक नगर है श्रीरंगम, वहां विराजते हैं। अभी 2 महीने पहले वहां कथा थी श्री भागवत जी की, और वो भगवान वहां कैसे चले गए? बोले जब राम जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हुए तो श्री विभीषण जी महाराज जब लंका जाने लगे तो विभीषण जी ने कहा, आपके चरणों को छोड़ करके जाने का मन नहीं करता है, मैं कैसे लंका जाऊं, कैसे लंका के राज्य का संचालन करूं? तो भगवान श्री राम ने कहा, ये रंगनाथ भगवान को आप ले जाओ, इन्हीं को ले जाओ, इन्हीं की पूजा करना, इनमें और हम में कोई अंतर नहीं। अयोध्यावासी रो पड़े हमारे रंगनाथ भगवान को, जो इतने दिनों से हमारे अयोध्यानाथ थे उनको आप इनको दे दोगे, ये ले जाएंगे, हम रंगनाथ भगवान को जाने नहीं देंगे, रंगनाथ भगवान हमारे हैं। तो भगवान श्री राम ने कहा, हम में और इनमें कोई अंतर नहीं है, आज तक ये अयोध्यानाथ थे, अब आगे मैं अयोध्यानाथ कहलाऊंगा, इसलिए इनका जाना आवश्यक है। और भगवान श्री राम ने रंगनाथ भगवान के उस विग्रह को विभीषण जी को दे दिया। विभीषण जी जब लंका लेकर के जाने लगे तो भगवान के मन में हुआ, अब हम लंका कहाँ जाएं राक्षसों के बीच में, यहीं भारत में रहें ठीक। और भगवान वहीं कावेरी नदी के मध्य में रुक गए, और वहीं
आज भी भगवान विराजमान हैं और ऐसी मान्यता है कि रात्रि के 2 बजे विभीषण जी महाराज आते हैं और सूक्ष्म रूप से भगवान का पूजन करके चले जाते हैं, फिर प्रातः काल पुजारी लोग मंदिर खोलते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। रंगनाथ भगवान लंका नहीं गए, क्यों? बोले भारत देश छोड़ने का उनका मन नहीं करता। सोचो इस भारत से भगवान को कितना प्रेम है कि भगवान भी भारत से बाहर नहीं जाना चाहते। और आज बोले भारत के लोग अमेरिका और लंदन में बसने में अपना गौरव मानते हैं कि हम तो विदेश में रहते हैं। भगवान ने कहा हम तो भारत छोड़ के नहीं जाएंगे, और भगवान भारत में ही रहे, आज भी विराजमान है। तो जिस कुल में भगवान की पूजा सेवा कई पीढ़ियों से होती चली आई, ऐसे कुल में, वैष्णव कुल में भगवान ने अवतार लिया। इसीलिए भगवान ने चयन किया कि दशरथ जी के कुल में हम अवतार लेंगे। पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। दशरथ जी महाराज को पिता बनाया और 4 रूपों में भगवान प्रकट हुए। अयोध्या में महान उत्सव हुआ। भगवान के प्राकट्य पर दशरथ जी महाराज ने अपना खजाना खोल दिया और कहा लुटाओ, अब तो अयोध्या में खूब लुटाया। दशरथ जी महाराज ने खजाना खोल दिया, जो व्यक्ति आए सबको सब कुछ दिया। और विशेषता क्या थी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा, उसने भी दूसरे को लुटा दिया, तुम ले जाओ, ऐसा आनंद बरस रहा था। सर बस दान दीन सब काहू, सर बस दान दीन सब काहू, जे पावा राखा नहीं ताऊ, जे पावा राखा नहीं काहू, सर बस दान सबको सब कुछ दिया। विशेषता क्या थी, बोले जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा, उसने भी लुटा दिया, तुम ले जाओ। दे दे करके लोगों ने अपने घर को, मंदिर को खाली कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास पुनि भरे देखियत राम कृपा चितवनि चितये। राम जी की ऐसी कृपा बरस रही थी कि लोग लुटा रहे थे और फिर जाकर के घर में देखें तो सब भरा हुआ, कहीं कोई कमी नहीं। और इस प्रकार कई दिनों तक उत्सव चला। कितने दिनों तक चला उत्सव, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस उत्सव को देखकर भगवान सूर्य नारायण रुक गए। भगवान सूर्य नारायण ने सोचा मेरे कुल में भगवान प्रकट हुए हैं, मैं भी जरा उत्सव देखूं। और मध्यान्ह में 12 बजे भगवान का जन्म हुआ। सूर्य भगवान बीच में ही रुक गए आकाश में और उत्सव देखने का आनंद लेने लगे। परिणाम ये हुआ कि सूर्य भगवान जब रुके तो दिन रुक गया, दिन आगे बढ़ा ही नहीं। और कितने दिन सूर्य भगवान रुके रहे, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं 1 महीने तक सूर्य भगवान रुके ही रह गए। और वो दिन 1 महीने के बराबर 1 दिन हो गया। 1 महीने में जितने घंटे होंगे उतना बड़ा दिन हो गया और किसी को पता नहीं चला, लोग आनंद में मगन थे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाना कोई, रथ समेत रवि था के वो निशा कवन विधि होय। रथ के सहित सूर्य भगवान रुक गए, रात्रि नहीं हुई और 1 महीने के बराबर दिन हो गया और लोग आनंद मगन थे, खूब नाच रहे थे, उत्सव मना रहे थे। चलो एक बार हम लोग भी राम जी की बधाई का आनंद ले लेते। दूर दूर की जो सखियां थीं, दूर दूर की जो बधूटियां थीं, उन सब ने जब सुना कि महाराज के घर में बालक प्रकट हुआ है तो सखियों ने कहा चलो
हम भी देख करके आते हैं। चलो री सखी देखिया में प्यारे रघुरैया, 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 प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया चलो री सखी देखिया में प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देखिया में प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देखिया में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया, 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 कौशल्या के कई सुमित्रा, कौशल्या के कई सुमित्रा, अरे कौशल्या के कई सुमित्रा, कौशल्या के कई सुमित्रा, पुनि पुनि लेत बलैया, चलो रे सखी देखिया में प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देखिया में प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देखिया में, घर घर बंदन बार पताका बरलिल जायल कैया, 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 पुर नर नार मगन हुई गावे, पुर नर नार मगन हुई गावे, हरि पुर नर नार मगन हुई गावे, पुर नर नार मगन हुई गावे, बाजत आनंद बधैया, चलो री सखी देखिया में प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देखिया में प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देखिया में, सुनि दशरथ लिप खोल खजाने मंगल कृत्य करैया, सुनि दशरथ निप खोल खजाने मंगल कृत्य करैया, सुनि दशरथ निप खोल खजाने मंगल कृत्य करैया, सुनि दशरथ निप खोल खजाने मंगल कृत्य करैया, लाल लिछावर बसन लुटावे, लाल लिछावर बसन लुटावे, लाल लिछावर बसन लुटावे, लाल निछावर बसन लुटावे, भूषण मरिल जड़ैया, चलो रे सखी देखिया में प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देखिया में प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देखिया में, मुल नर मुनि जज कार्य करत है बरसत सुमन कैया, सुर नर मुनि जज कार्य करत बरसत सुमन निकैया, मुल नर मुनि जज कार्य करत है बरसत सुमन निकैया, सुर नर मुनि जज कार्य करत बरसत सुमन निकैया, श्री दशरथ जी के आंगन में, श्री दशरथ जी के आंगन
आंगन में, श्री दशरथ जी के आंगन में, श्री दशरथ जी के आंगन में नाचे मस्त कवैया चलोरी सखी देखे आवे प्यारे लघु कैया चलोरी सखी देखे आवे प्यारे लघु कैया हाँ प्यारे लघु कैया दुलारे लघु कैया प्यारे लघु कैया दुलारे लघु कैया प्यारे लघु कैया दुलारे प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया प्यारे रघुरैया चलोरी सखी देखिया में प्यारे रघुरैया चलोरी सखी देखिया में प्यारे रघुरैया चलोरी सखी देखिया में चलोरी सखी देखिया में चलोरी सखी देखिया श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय 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 सीता राम। श्री दशरथ जी के द्वार पर बड़े धूमधाम से महामहोत्सव हुआ, भगवान का जन्म महोत्सव मनाया गया, लोगों ने बधाई दी। दशरथ जी महाराज ने आए हुए लोगों को खूब उपहार भेंट किया। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि प्रदेयाश्च ददौ राजा सूत मागध वंदिनां। सूत मागध बंदीजन जो लोग थे सबको ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तं गोधनानि सहस्रशः। ब्राह्मणों को, आए हुए अतिथियों को, सबको दशरथ जी महाराज ने खूब लुटाया बड़े ही उत्साह के साथ। और धीरे धीरे 11 दिन बीत गया। जब 12वां दिन आया तो 12वें दिन चारों कुमारों का गुरुदेव वशिष्ठ ने नामकरण संस्कार किया।